प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज 90तम मन की बात संस्करण में रथयात्रा उपरे निजर मत रखिछते। दुई वर्ष पर भक्तों मेल रथयात्रा होथिबारु प्रधानमंत्री खुशी प्रकाश करिछन्ते। पुरी सह धूमधाम देश विदेश में रथयात्रा पालन होथिबा कहिछन्ते किए। तेबे आज मन की बात कार्यक्रम में इमरजेन्सी कथा मने पकाई बुलाई पकाई कांग्रेस को टार्गेट करिछन्ते मोदी। जन आंदोलन उपरे गुरुत्वारोप करिछन्ते। सेपरि नीरज चोपड़ा को फिनलैंड रे प्रदर्शन पाई बेस प्रशंसा करिछन्ते। अवसर नेइथिबा भारतीय महिला दलर अधिनायिका मिताली राज को भविष्यत जीवन पाई मध्य शुभेच्छा जणाइछन्ते पीएम। सेपरि कोरोना बढ़ुथिबारु प्रिकॉशन डोज पाई समस्तंकु अपील करिछन्ते। जन आंदोलन से परिवर्तन की गाथा पूरे देश को बताएं, इसी कड़ी में मैं आज आपसे देश के एक ऐसे जन आंदोलन की चर्चा करना चाहता हूं जिसका देश के हर नागरिक के जीवन में बहुत महत्व है। लेकिन उससे पहले मैं आज की पीढ़ी के नौजवानों से, 24-25 साल के युवाओं से एक सवाल पूछना चाहता हूं, और सवाल बहुत गंभीर है, और मेरे सवाल पर जरूर सोचिए। क्या आपको पता है कि आपके माता पिता जब आपकी उम्र के थे तो एक बार उनसे जीवन का भी अधिकार छीन लिया गया था? आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो असंभव है। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, हमारे देश में एक बार ऐसा हुआ था। ये बरसों पहले 1975 की बात है। जून का वही समय था जब इमरजेंसी लगाई गई थी, आपातकाल लागू किया गया था। उसमें देश के नागरिकों से सारे अधिकार छीन लिए गए थे। उसमें से एक अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 के तहत सभी भारतीयों को मिला राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी था। उस समय भारत के लोकतंत्र को कुचल देने का प्रयास किया गया था।